नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले में पुलिस अब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना ही नहीं पाई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि अज्ञात रूप से हुई शिकायत के बाद वो लगातार साथ इकट्ठा कर रही है और जल्दी इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। दरअसल मामला संयुक्तगंज थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग के मामले में गोपनीय शिकायत की गई थी, जिसको लेकर के पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसके बाद प्रबंधक सहित कॉलेज में टीचर और स्टाफ को नोटिस दिया गया था। अब लगभग कई स्टूडेंट्स से पूछताछ और प्रबंधक के बयान सहित कई जानकारियां एकत्रित पुलिस ने की हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं पुलिस का मानना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में नामजद आरोपियों का खुलासा किया जाएगा और वैधानिक रूप से दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। हालांकि अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है और अभी कई बयान होना बाकी है, इसलिए कई चीजें मीडिया के सामने नहीं रखी गई हैं। वहीं MGM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग नाम सामने आने के बाद कैसे छूटे गोपनीय रूप से पुलिस को अपनी समस्याएं बता रहे हैं। एक प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें जो MGM कॉलेज है उनके टीम में एंटी रैगिंग कमेटी जो है उसकी अनुशंसा पर प्रकरण दर्ज करने के लिए आया था। इसमें प्रकरण दर्ज किया गया था, उसमें ये था कि जो यहाँ डेयर स्कॉलर जूनियर छात्र हैं उनने एक साइट होती है रैगिंग वाली, उस पर कंप्लेंट की थी। वो कंप्लेंट जब यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी के पास आई तो उसमें जो कंप्लेंटेंट थे उनने अपनी पहचान नहीं बताई थी और जो साक्ष्य भी दिए थे उसमें भी अपने नाम वगैरह हाइड किए गए थे, तो उसमें फरियादी भी अज्ञात थे और जो आरोपी थे वो भी अज्ञात थे। इस कारण पुलिस को जाँच दी गई, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच की, टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं जिसमें अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। जो स्कॉलर्स थे कॉलेज में लगभग 97 हैं, उनको डे स्कॉलर्स और जूनियर्स उनको 161 के नोटिस दिए गए हैं और उसमें उनको बताया गया कि भाई आप अगर आप जो जानकारी देंगे गोपनीय रखी जाएगी, उसमें आपकी पहचान ओपन नहीं की जाएगी। तो अभी कुछ साक्ष्य आ रहे हैं जिससे जो FIR हुई उसकी पुष्टि हो रही है और अभी आगे जांच जारी है जिसमें कुछ लोगों को चिन्हित कर आगे साक्ष्य टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जांच में पुष्टि हुई है कि वहां पर वाकई में छात्रों के साथ रैगिंग होती थी? जो FIR में उन्होंने फैक्ट बताए थे उस और जो चीज़ें बताई थी वो जो अभी एक तो स्टेटमेंट हुए उसमें उसकी पुष्टि तो हुई है कि जिसमें जो एक्ट बताए थे वो किए गए हैं। किस तरीके से सर प्रताड़ित करते थे, सेक्स की बातें भी करते थे? अननेचुरल सेक्स के बारे में जैसा बताया ऐसा बोलिंग करने के लिए वो पीलो के साथ सेक्स करने के लिए बोलते थे, ऐसा साक्ष्य आया है। अभी कोई फिजिकली किसी के साथ में अननेचुरल सेक्स का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, अगर कोई ऐसा साक्ष्य आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।